राम। पहला आप सभी को कैसे आप सब लोग, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका मेरे चैनल मॉमनी क्वीन में स्वागत है। ये ब्लॉग शुरू करते ही किसका फ़ोन आ गया? मेरे पतिदेव का फ़ोन आया था। बाकी आपको थोड़ी नई जगह दिख रही होगी और कुछ लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी हूँ अपने मायके में। मेरे को आए हुए 3 दिन हो गए, पर ये 3 दिन बहुत ही व्यस्त भरे दिन थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। फिलहाल यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं एक ये थोड़ा सा गर्म लेके आ गई, वरना मैं तो मर जाती, क्योंकि मैं हल्द्वानी के हिसाब से चल रही थी। और यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है, रोज बारिश बारिश बारिश। नैना को लेके आजा, आ जा जा, आ ले जा, आ जा। ये मम्मी है। मम्मी हेलो बोल इधर, हाय कर दे नैना। हेलो ता ता कर दे, ता ता कर दे, ता हेलो कर दे नैना। ये आज ही दिख रही है ब्लॉग में, मैं इसको दूसरी बार देख रही हूँ कैसे चल रही है। बाकी एक मेरा भाई था जो मुझे 1 घंटे पहले बोल के गया कि नहीं नैना वहाँ पानी है, पानी है, पानी वहाँ पानी है, है पानी है वहाँ। एक घंटा हो गया कॉफी बनाऊंगा बोला था और आया नहीं अभी तक। मैं उसको देखी हूँ कब से। और ये मरीज है, अभी पहुंचे है यहाँ। अभी तो थोड़ी ठीक हो गई, आप सबको भी लग रहा होगा क्या खा रही है ऐसे, वो इसकी जड़ है, क्यों पा दी, किसने दी, क्यों पेट दर्द हो रहा है। इसको हमारे वहाँ बोलते हैं घीपत्ती का जड़, रामबाण घरेलू इलाज। अब मैं चीनी मांगने जा रही हूँ। मेरे को ही कॉफी बनानी पड़ रही है, चीनी में चीनी दे दे यार। ये बबली रानी, और दे क्या इसमें डाल। चीनी मांग मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। यहाँ धूप आ गई और यामी नहा रही है। अरे कोई कुछ नहीं बोलता है यामी। और ये पापा हैं, पापा अपनी बहन की भिटोली जा रहे हैं, तो मस्त सच सवर के जा रहे हैं। तो अब पापा के सर पे मेहंदी लग रही है, दीदी मेहंदी लगा रही है। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है तो करना ही पड़ता है, बुढ़ापा छुपाने के लिए करना ही पड़ता है। हाँ, अब कुछ ही 1 घंटे बाद हम आपको पापा का बिफोर आफ्टर दिखाएंगे, इसमें पता चलेगा कि पापा कितने स्मार्ट लगते हैं। मेरा ये पोपट बन गया यहाँ, कहाँ मैं सोची थी आइसक्रीम का इतना सारा स्टॉक आया होगा। सुबह से मेरा भाई साफ करने में लगा था, वो क्या बोलते हैं फ्रीजर, बट आज आइसक्रीम की गाड़ी आ ही नहीं रही है। आज तो यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, सुनसान है। ये मेरा घर, पहले हम इस पर रहते थे, फिर ऊपर में बना दिया, अब ऊपर में रहते हैं। इन लोगों का अलग ही टाइम पास हो रहा है। देखे गाइस, हेलो गाइस, करो। और ये भी मस्त नींद में सो रहा है अभी तो। करो एक बार, कैसे क्या करे थे, करो। हमने ना ऐसा किया, सारी ताकत खत्म कर दी। दिन भर में इनका कोई काम नहीं होता तो ऐसे ही करते रहते हैं। इतना बड़ा भैंस जैसा, इसको तो शर्म नहीं आती है। कल शाम को हम लोग दोपहर में पापा भिटोले गए थे, अब देखते हैं वहाँ से क्या क्या लाए हैं रिटर्न में। लेके थे तो एक ही चीज़ गए थे, सबसे पहले खोलते हैं ये। कल रात इससे प्रोग्राम हो गया था यहाँ, ये कल रात आज रात के लिए है, मतलब हम सब आज खूब पार्टी करेंगे इसको लेके। सबसे अच्छी भिटोली है ये, आलू है ये देखो, ये आलमंड ऑयल भेजा है, उसके बाद बाप रे क्लिनिक प्लस शैम्पू भेजा है। ऐसी भिटोली हमें हर जगह से आए यार। एक कोलगेट भी भेजा है और ए चुप रह, ये हिमालय का फेस वॉश भी भेजा है, मम्मी के लिए फेयर लवली भी भेजा है, और ये एक जैम भी भेजा। क्या हो रही है देखो दीदी, दीदी बंद कर दो। तो ये इतनी सारी चीजें भेजी हैं ये, क्या हो गया
देखो मेरे दांत इतने चमकते हैं इसकी वजह से। अब बोल क्या बोल रहा है? आपके कॉलगेट में नमक है? ऐसा बोल, फिर दांत दिखा। मैं नहीं दिखा सकती। है जो भी अच्छे दांत। मम्मी के पास 500 का नोट आया है भिटोली में। ये मेरे पास 100 का। किसने दिया है? मेरे पास 100 का। छोटे मामू ने दिए हैं। दीदी ऐसे खोल दे। मेरे मामू ने ये लबरा है, एक आते ही खोल दिया इसने। ये मुझे दे दे। अरे मेरी भिटोली भी तो है भाई। मेरी मैंने अपनी अपनी भिटोली नहीं ली है। मैं जितने मम्मी के पास आएंगे ना, देखती हूँ इस महीने लास्ट तक, फिर उसका 50% मैं लूंगी। इसलिए मैं थोड़ा रुकी हूँ यहाँ, ताकि आने जाने का किराया भी तो लेना है भिटोली। आने जाने का किराया लूंगी और क्या बोलते हैं, सिलाई लूंगी, अच्छी सी भिटोली लूंगी। क्या कितने पैसे होंगे? पूरियां बनाई, पैसा ही पैसा। फिर पूरी भी बना बोलूंगी, खजूर भी बना बोलूंगी। अरे रुकना, मैं भी बोलना यार, प्लीज यार, याद आती है ना, बोल। अब बोल ना, बचपन में ना ये ताने गुए। क्या करती थी? गुआती थी तो वो झूले में फोटे करती थी, फिर वो खाती थी। मेरी नाक में तो कभी पसीना नहीं आया। फिर क्या बोला इसने? पोल खुल रही है यहाँ पे सबकी। क्या बोला? बोल ये दो भूखड़ों को भूख लगी, कैसे सीढ़ी में बैठ के खा रहे हो? दाल देर को ना मारवाती नहीं। वो सामा वाली कैसे करे दीपा दी डायलॉग बोल तो कुकुर है ना वो बहुत खतरनाक बोलते यार। ला मेरे हाथ में दे। अरे यार मेरे हाथ में दे। ऐसे करके एक एक करके दे ना। ला थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दे। इसको भी दे। ले भी था, ले 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 इधर से दे इसको आराम से। ले अब आएगा। शाम हो गई है, ठंड भी बढ़ने लगी है, तो मैंने अपना ये आउटर निकाल लिया। बाकी आज का ब्लॉग मैं यही पॉइंट करती हूँ। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।